डियर स्टूडेंट, मैं बिरबल प्रसाद आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी जो आपके एग्ज़ाम में सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये इस सीरीज की पहली वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो शब्द है उसका मतलब होता है हिंदी में अगर बोलें तो परिवर्तन। जब आपको सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए दिया जाता है तब आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करते हो, या फिर आप यूं कहें कि आप उस पर्टिकुलर सेंटेंस को आप परिवर्तन करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करते समय सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि सेंटेंस के अर्थ में कोई चेंज ना हो। अगर इंग्लिश में बोलें तो आप कह सकते हैं कि जो आपका दिया हुआ सेंटेंस है, ऐसे समझ लीजिए आपका जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ सेंटेंस है और जब आप आंसर दे रहे हैं तो दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग होना चाहिए, यानी अर्थ सेम होना चाहिए, अलग अलग मीनिंग नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ कि सेंटेंस के अर्थ में कोई चेंज ना हो। फिर से एक बार सुन लीजिए, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है और आप उसके जो आंसर कर रहे हैं दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम होना चाहिए, ग्रामेटिकली, या फिर आप उसमें अलग अलग सेंटेंस अलग अलग तरीके से लिख सकते हो लेकिन उसका जो मीनिंग होना चाहिए वो एक ही निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझिए। पहला एग्जांपल मैंने ले रखा है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इस सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है कि हमेशा सच बोलो, मतलब आपको हमेशा हर समय आपको सच बोलो, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है इस सेंटेंस में। जब हमको इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया गया तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो जो ये सेंटेंस आपको एक नंबर का है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ और दूसरा जो हमारा सेंटेंस है नेवर टेल अ लाई, दोनों का मीनिंग एक है, सेंटेंस अलग अलग है लेकिन मीनिंग एक है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ का सीधा मतलब ये हो रहा है कि आप हमेशा सच बोलो, ठीक है, हमेशा सत्य बोलो, और दूसरा का अर्थ भी सेम टू सेम वही हो रहा है। आप यूं कहें कि दूसरा जो सेंटेंस है इसका हिंदी अर्थ कभी झूठ मत बोलो, तो हमेशा सच बोलो या फिर कभी भी झूठ मत बोलो, दोनों का जो अर्थ है वो सेम है। तो जब भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया है, आपको अगर एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस मिलते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि दोनों के अर्थ में, यानी आपका जो आंसर जो आप दे रहे हैं उसके अर्थ में और जो क्वेश्चन है उसके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलिए अब हम आज के जो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ इस तरीके के पूछे जाते हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव, या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ होता है उसको निगेटिव में बदलना होता है, या फिर निगेटिव दिया होता है उसे अफर्मेटिव में बदलना होता है। तो यहाँ पे तीन, मैंने यहाँ पे तीन तरीके से आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ, अफर्मेटिव एंड निगेटिव, मतलब हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के कुछ रूल्स और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के, एक ही हुआ, रूल्स एक ही होंगे बस कॉन्सेप्ट अलग होंगे। ठीक है, दूसरा हमारा है असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। आपका असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सीखेंगे और ठीक इसका उल्टा भी सीखेंगे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में। ठीक है,
हम तीसरा जो चीज़ सीखेंगे वो सीखेंगे एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव, मतलब एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस होंगे उसको असर्टिव में बदलना सीखेंगे, और जो असर्टिव सेंटेंस होंगे उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बदलना सीखेंगे। ठीक है गाइज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस के भी चैप्टर्स आते हैं, वॉइस को भी हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ही कहते हैं, नरेशन को भी कहते हैं, रिमूव टू और डिग्री को भी कहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे चीज़ बताया जाएगा, तो इस चैप्टर में आपको मैं ये सारे टॉपिक को टच नहीं करूँगा। ठीक है, जो मैं लिया हूँ इसमें सिर्फ आपको सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन ही बताऊँगा जो यहाँ पे आपको मेंशन है। ठीक है, इसके लिए हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो देखेंगे। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस का परिवर्तन को सीखेंगे। अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बदलते हैं और निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बदलते हैं, ये सारे प्रोसेस को हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, रूल नंबर 1 में अपोजिट मीनिंग वर्ड का यूज करके। अब यहाँ पे क्या है इसको आप ध्यान से समझिएगा, अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया गया है तो आप अफर्मेटिव से निगेटिव बदलोगे तो उसमें आप यूज करोगे अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग मतलब जो उल्टा, ठीक है, विपरीत अर्थ देते हों, ठीक है, उस तरीके के मीनिंग को, उस तरीके के जो वर्ड होंगे उसको हम यूज करके अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव में बदलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है आपको एग्जांपल में, शी इज अ वाइज गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसे निगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे शी इज नॉट अ फुलिश गर्ल, मतलब वह एक मूर्ख लड़की नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक दो पॉइंट ध्यान देना है, उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि जब आप अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज कर रहे हो तो सेंटेंस के अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। तो पहला जो सेंटेंस है शी इज अ वाइज गर्ल, और दूसरा हमारा जो सेंटेंस है शी इज नॉट अ फुलिश गर्ल, दोनों का मीनिंग अर्थ सेम है। ठीक है, पहला सेंटेंस में भी बता रहा है कि वह एक बुद्धिमान लड़की है, और दूसरा सेंटेंस में भी वही बात कही जा रही है कि वह एक मूर्ख लड़की नहीं है, मतलब बुद्धिमान ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ चेंजिंग नहीं हुआ। अब दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस था उसमें यहाँ पे जब हम अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज कर रहे हैं तो निगेटिव में चेंज करते समय नॉट का प्रयोग करेंगे। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो वाइज था तो वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, तो उसका सीधा अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हमारा है फुलिस, तो हमने यहाँ पे वाइज को चेंज कर दिया फुलिस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दूसरा एग्जांपल अफर्मेटिव का ही दिया गया है, राजू इज अ पुअर बॉय, मतलब राजू एक गरीब लड़का है। ठीक है, इसे हम निगेटिव में जब चेंज करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा राजू इज नॉट अ रिच बॉय, मतलब राजू एक अमीर लड़का नहीं है। तो दोनों सिचुएशन में आपने देखा क्या कि ऊपर में भी गरीब है राजू और नीचे वाले सेंटेंस में भी राजू गरीब ही है, क्योंकि वो अमीर नहीं है तो गरीब ही होगा। तो जब भी आपको अफर्मेटिव से निगेटिव दिया जाए या फिर आपको निगेटिव से अफर्मेटिव दिया जाए तो आप याद रखिएगा इस पुअर को यहाँ पे रिच में चेंज किया गया है, जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले सेंटेंस हैं।
और दूसरी बात, अफर्मेटिव से जब निगेटिव में बदला गया तो नॉट का प्रयोग किया गया। आप ये भी याद रखिएगा कि नॉट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होगा, ठीक है, तभी तो निगेटिव होगा ना। चलिए अब इसी रूल को अप्लाई करके देखते हैं निगेटिव से अफर्मेटिव। अभी तक आपको जो मैं बता रहा था वो अफर्मेटिव सेंटेंस को देकर मैं आपको निगेटिव बता रहा था। अब जो आपका जो एग्जांपल है निगेटिव सेंटेंस का है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। निगेटिव सेंटेंस में देखिए लिखा हुआ है शी डज नॉट लव मी, वह मुझे प्यार नहीं करती है। तो इसको जब हम अफर्मेटिव में बदलेंगे तो पहला बात तो यहाँ पे डज के साथ जो नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हटा देंगे क्योंकि हमें अफर्मेटिव में करना है। और दूसरी बात, यहाँ पे लव है तो लव मीन्स होता है प्यार करना, तो उसको हम अपोजिट मीनिंग से चेंज कर देंगे, मतलब कुछ नफरत करने वाला शब्द लाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने अफर्मेटिव में लिखा है शी हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करती है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सर डज को कहाँ लेकर चले गए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑफलाइन जब पढ़ाता हूँ ना तो हमें पता चल जाती है कि स्टूडेंट लोग को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो डज नॉट जो लगाया हुआ है निगेटिव सेंटेंस में, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से है। तो जब आप अफर्मेटिव में चेंज करोगे तो उसी के हिसाब से हेट के साथ मैंने एस लगाया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें डू डज नहीं लगता है, वो तो निगेटिव के साथ ना लगता है, डू डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट, ठीक है। तो इसीलिए निगेटिव में डज नॉट लगा है और अफर्मेटिव में डज नॉट गायब हो गया है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, निगेटिव में ही आपका है जिसे आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। लिखा हुआ राजू इज नॉट अ डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब राजू एक बेईमान व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि जब अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो नॉट को हटा देंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसऑनेस्ट, ठीक है, जिसका मतलब होता है बेईमान, तो इसको हम ईमानदार का मीनिंग देंगे, तभी तो सीधा उल्टा होगा ना। तो देखिए इसको मैंने अफर्मेटिव में लिखा है राजू इज एन ऑनेस्ट पर्सन, मतलब राजू एक ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पे आप गौर करिए, पहला जो सेंटेंस था राजू इज नॉट अ डिसऑनेस्ट पर्सन, और दूसरा जो सेंटेंस है राजू इज एन ऑनेस्ट पर्सन, दोनों का मीनिंग तो एक ही है ना। पहला सेंटेंस में बोल रहा है कि राजू एक बेईमान व्यक्ति नहीं है, मतलब ईमानदार होगा, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस में बोल रहा है कि राजू एक ईमानदार व्यक्ति है, तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, ऑनेस्ट के पहले एन इसीलिए लगा है क्योंकि ऑनेस्ट में जो एच है उसका उच्चारण ओ यानी अ आ ई जो आप पढ़े थे वोवेल साउंड से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है, ठीक है, आर्टिकल में देखेंगे डिटेल में। चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर दो। वो जो पहला नंबर का जो रूल बताया वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत इजी पूछे जाते हैं। अब आइए रूल नंबर दो, मैं आपको एक्सरसाइज भी करवाऊंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए, ठीक है। रूल नंबर दो कहता है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली या अलोन से स्टार्ट हुआ हो, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस जो आपको दिया गया है निगेटिव में चेंज करने के लिए वो या तो ओनली से स्टार्ट हुआ हो या फिर अलोन से स्टार्ट हुआ हो, तो उसका जो निगेटिव बनाएंगे उसमें हम नन बट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली या अलोन से स्टार्ट होगा तो हम उसका निगेटिव बनाएंगे तो नन बट से स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखिए एग्जांपल में,
यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में इसी लाइन को मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, उसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ओनली या अलोन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली और अलोन को हम लोग नन बट में चेंज करते हैं, या फिर आप यूँ कहें कि नन बट को हम ओनली और अलोन में चेंज करते हैं, मतलब दोनों तरह से चेंजिंग हुआ दोनों तरफ से, ठीक है। निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव बनाएंगे तो ओनली या अलोन करेंगे, और अफर्मेटिव होगा तो उसका निगेटिव करेंगे तो नन बट करेंगे, ठीक है। दोनों तरह से ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है, याद रखना इस बात को। चलिए अब एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। तो एग्जांपल में आपको सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको निगेटिव में चेंज करना है। कहता है ओनली अ पुअर मैन कैन अंडरस्टैंड दिस, केवल गरीब आदमी इसे समझ सकता है। तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हमें निगेटिव में चेंज करना है। तो मैंने आपको अभी एक रूल बताया कि ओनली से जैसे ही अफर्मेटिव स्टार्ट होगा तो आप उसका निगेटिव नन बट से करोगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नन बट अ पुअर मैन कैन अंडरस्टैंड दिस, मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा कि पहला जो सेंटेंस है उसमें ओनली लगा हुआ है, और देखिए पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है ओनली और उसको हमने रिप्लेस कर दिया है, मतलब ओनली को हटाकर नन बट लिख दिया है, और बाकी जो सेम का सेम सेंटेंस है ये यहाँ से यहाँ तक ये तो मैंने जैसे का तैसे ही ना लिख दिया है, सेम टू सेम लिख दिया है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल, फिर से अफर्मेटिव दिया है, इसको आपको निगेटिव बनाना है। तो कोई बात नहीं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं आपके लिए। ओनली सोनू हैज़ रिटेन दिस लेटर, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, इसको निगेटिव बनाना है तो नन बट और बाकी सेम सेंटेंस लिख देना है, नन बट सोनू हैज़ रिटेन दिस लेटर। आपने यहाँ पे क्या देखा, ऊपर के सेंटेंस में यहाँ पे देखिएगा ध्यान से ओनली लगा हुआ है, ठीक है, और उसी को हमने सिर्फ यहाँ पे नन बट में चेंज किया है, और बाकी यहाँ ये जो सेंटेंस है आपका दोनों में सेम टू सेम है, क्लियर। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एक एग्जामिनर क्या करता है कि अफर्मेटिव देगा आपको और उसको बोलेगा कि निगेटिव बनाओ, और कभी कभी क्या करेगा कि निगेटिव देगा और उसको बोलेगा अफर्मेटिव बनाओ। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आप अपने स्कूल जाते हो अपने कॉलेज जाते हो, तो आप अपने घर से कॉलेज गए, ठीक है, तो क्या कॉलेज से अपने घर नहीं आ सकते। तो जब मैंने आपको अफर्मेटिव से निगेटिव बताया तो निगेटिव से भी तो अफर्मेटिव आप कर सकते हो ना। चलिए इसको मैं कर ही के दिखाता हूँ, आपको दिया हुआ है निगेटिव सेंटेंस, अभी तक हमने अफर्मेटिव से निगेटिव किया था, अब दिया हुआ है निगेटिव सेंटेंस, इसको बनाना है अफर्मेटिव। तो निगेटिव में दिया हुआ है नन बट अ फुलिश मैन कैन डू दिस, तो आप याद करिए मैंने हम लोग क्या करते थे, नन बट लगा देते थे निगेटिव सेंटेंस में, नन बट का यूज करते थे, किसके लिए करते थे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, अभी बताया है ओनली या एलोन दोनों में से कोई एक, तो चलो ओनली कर देते हैं, है ना। तो अफर्मेटिव में हमने कर दिया ओनली अ फुलिश मैन कैन डू दिस। तो गाइज यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखना है, पहला कि ओनली अगर अफर्मेटिव में दिख गया तो निगेटिव में नन बट लिख देना है, और अगर निगेटिव में नन बट दिख गया तो अफर्मेटिव में ओनली लिख देना है, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है, क्लियर। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं बहुत एग्जांपल करवाऊंगा इसके, जो आपको ये बताऊंगा ना रूल्स, उसके बाद फिर लास्ट में जो लास्ट वीडियो आएगी लास्ट पार्ट वाला, उसमें मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो आपका सेंटेंस है नन बट माई मदर कुक्ड फूड,
आपने क्या देखा, आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है नन बट माई मदर कुकड फूड, तो आपको इसे बनाना अफर्मेटिव में, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि नन बट किसके लिए यूज होता था, ओनली के जगह पे, तो बस पेस्ट कर दीजिए ओनली माई मदर कुकड फूड, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 3। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जामिनर अगर पूछना चाहेगा तो बोर्ड के एग्जाम में रूल नंबर 1 से क्वेश्चन पूछेगा, 2 से नहीं पूछेगा, परेशान करने का होगा, 2 तो इजी है फिर भी 2 से नहीं पूछेगा, और तीसरा नंबर का रूल है इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कहता है कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से स्टार्ट होता है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस जब एज सून एज से स्टार्ट होता है तो उसका निगेटिव इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से बोले तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यहाँ पे 2-3 बातें समझाऊँगा, ठीक है। देखिए पहली बात ये कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से शुरू होता है तो निगेटिव आपको नो सूनर से स्टार्ट करना है, और नो सूनर के बाद आपको यूज करना है ऑक्जिलरी वर्ब, ऑक्जिलरी वर्ब इज, एम, आर, बाज, वर, ठीक है, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब को कहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है ना, राधा, मोनू, सोनू, गीता, ये सब। उसके बाद मेन वर्ब का यूज करना है, मेन वर्ब आपको समझ में आ ही रहा होगा, गो, लाफ, किल, ये सब होते हैं। उसके बाद आपको अदर वर्ड्स का यूज करना है, मतलब और सारे वर्ड्स। उसके बाद देन का यूज करना है, और देन के बाद सेकंड सेंटेंस जो आपको रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ, उस सेंटेंस को डायरेक्ट लिख देना है। अब यहाँ पे आप टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के आप कंफ्यूज क्यों हो जाते हो, मैं हूँ ना यहाँ पे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये तो स्ट्रक्चर ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो कैसे क्वेश्चन आपको दिया गया, आपका जो प्रश्न है एज सून एज ही अराइव्स ही बिगिंस टू वर्क, जैसे ही वह पहुँचता है वह काम करना शुरू करता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एज सून एज से स्टार्ट होता है तो ये वाला स्ट्रक्चर लगा दो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले जब ये स्ट्रक्चर लगाऊँगा तो नो सूनर लिख दूँगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इसमें दिक्कत होता है स्टूडेंट लोग का। अब यहाँ पे कहोगे डज कहाँ से आया सर, तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, ही अराइव्स कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में बोला है कि ऑग्जिलरी वर्ब यूज करना है, तो जिस टेंस में दिया हुआ है उसका ऑग्जिलरी वर्ब यूज करोगे ना, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का ऑग्जिलरी वर्ब आपका होता है डू और डज, दोनों होता है, हमने यहाँ पे डज इसीलिए यूज किया है क्योंकि डज के बाद ही आया है और ही के लिए डज यूज करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नो सूनर डज ही, और उसके बाद हमने लिख दिया अराइव, अराइव क्यों लिखा, यहाँ पे एस लगा हुआ था इसीलिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब हम डज यूज करते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, आपने टेंस पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो टेंस को पहले पढ़ लो तब ये पढ़ना, ठीक है। तो नो सूनर डज ही अराइव, और उसके बाद क्या बोला था देन का, अब कहोगे सर यहाँ पे अदर वर्ड्स कहाँ गया, तो अदर वर्ड्स यहाँ पे नहीं है तो उसके लिए तो टेंशन नहीं लेनी, तो उसके बाद देन का यूज करना है, तो हमने यहाँ पे देन लगा दिया, और देन लगाने के बाद सेकंड सेंटेंस यहाँ पे जो था कंप्लीट, देखिएगा सेकंड सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट था, उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ, नो सूनर डज ही अराइव देन ही बिगिंस टू वर्क, ठीक है। चलिए
अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, दूसरा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो प्रश्न है वो है, एज सुन एज ही हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टार्ट, मतलब जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा, जो ट्रेन था वो स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो जब इसको आपको निगेटिव में बनाना है, कैसे, क्योंकि ये जो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, ठीक है, तो इसको निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव में हम ये वाला स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो एक बार और मैं आपको अच्छा से समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो सूनर। तो चलिए लिख दिया नो सूनर। अब यहाँ पे बोला था कि नो सूनर के बाद ऑग्जिलरी वर्ब यूज करना, तो मैंने नो सूनर के बाद हैड यूज किया। तो ये सेंटेंस देखिए, ही हैड रीच्ड द स्टेशन, इसमें ऑग्जिलरी वर्ब क्या है, हैड ही तो है, तो मैंने लिख दिया नो सूनर हैड। उसके बाद था सब्जेक्ट, तो मैंने हैड के बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मैंने यूज कर दिया ही, नो सूनर हैड ही। और फिर जो आगे यहाँ पे जो था मेन वर्ब, सॉरी यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या हो गया, रीच्ड, ठीक है, वर्ब भी3, क्यों, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे भी3 आया। तो आपका सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हो गया, नो सूनर हैड ही रीच्ड। उसके बाद अदर वर्ड्स में है द स्टेशन, उसके बाद दैन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ पे दैन। और फिर सेकंड सेंटेंस आपका था द ट्रेन स्टार्ट, तो द ट्रेन स्टार्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलिए, अब हम आपको यहाँ पे बताता हूँ एक और क्वेश्चन, एक और आपको करवाता हूँ। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, नो सूनर यानी निगेटिव दिया हुआ है, देखिए कैसे मैंने समझ में आया हमें, क्योंकि यहाँ पे नो सूनर लगा हुआ है और नो सूनर हमारा निगेटिव होता है, देखिए नो लगा हुआ है ना, इसी से समझ जाइए। तो आपको जब यहाँ पे दिया हुआ है नो सूनर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको हमें करना है अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है। तो एज सून एज रहता था तभी तो आप नो सूनर करते थे, तो इसके जगह पे हो जाएगा एज सून एज, ठीक है। अब यहाँ पे जो डज आया है ये तो ऑग्जिलरी वर्ब है, इसको तो हमें हटा देना है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में डज आता है, ऐसा हमने टेंस में पढ़ा है, ठीक है। तो उसी के अनुसार यहाँ पे हमने सब्जेक्ट पहले लिख दिया, क्योंकि ये आपका अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद रेखा के अकॉर्डिंग, मतलब रेखा के अनुसार कुक का V5 होगा, यानी एस या एस फॉर्म, तो आपका सेंटेंस यहाँ पे होगा एज सुन एज रेखा कुक्स फूड, ठीक है। और फिर ये देखिए सेम टू सेम जो सेंटेंस है, हमने क्या करा था आगे पीछे, अभी आपको बताया था कि एज सुन एज का जो सेकंड सेंटेंस होता है उसको सिंपल लिख देते थे निगेटिव में, तो वही काम करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको हम अफर्मेटिव में वो सेंटेंस को पेस्ट कर देंगे। तो आपको क्वेश्चन नो सूनर से दे या फिर एज सुन एज से दे, आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब नो सूनर से देगा तो एज सुन एज वाला में चेंज करोगे, और एज सुन एज से देगा तो नो सूनर में चेंज करोगे। मैं आपको एग्जांपल और करवाऊंगा, आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा स्पेशल, ठीक है, तो उसमें बताऊंगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो में इतना तक ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।